उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को मिली हार के बाद उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य का बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य ने पिता की हार पर कहा कि कोई अमृत पीकर राजनीति में नहीं आता है। संगमित्रा मौर्य एक टीवी चैनल से बातचीत कर रही थी। उसी बीच उनके पिता की हार को लेकर सवाल किया गया, जिस पर संगमित्रा ने यह बयान दिया। संगमित्रा ने यह भी कहा कि वो स्वयं दो बार हार का सामना करने के बाद जीत दर्ज करने में सफल हुई। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई भी अमृत पीकर नहीं आता है। कई बार जनता जिसे पसंद नहीं करती है उसे पद से हटा भी देती है, हालांकि बाद में जब उसे कमी लगती है तो फिर वापस अपने नेता को जीत दिलाती है। इस बातचीत के दौरान संगमित्रा मौर्य ने बीजेपी की जीत को लेकर खुशी जताई। उन्होंने पहले भी बीजेपी की तारीफ की थी। संगमित्रा मौर्य ने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के हारने पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कई बार राजनेताओं को हार का सामना करना पड़ता है, लिहाजा हम हार को स्वीकार करें और क्या गलतियां हुई उसे देखें। वहीं संगमित्रा मौर्य से जब पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की हार का कारण पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका कारण पिताजी ही बेहतर बता पाएंगे। जनता से संवाद कर रहे हैं, चुनाव के दौरान क्या चूक हुई इस विषय में वही बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि पिता की हार से दुखी नहीं है, हालांकि उनके मन में कुछ अफसोस जरूर है। संगमित्रा ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव का दौर आता जाता रहता है, कोई भी हमेशा ही सत्ता पर नहीं बैठा रह सकता। बीजेपी छोड़ने का फैसला पिताजी ने स्वयं लिया था, इसी के साथ मेरा फैसला मुझ पर छोड़ा था।